देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक एमएसपी पर 291 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद हुई है और इससे लगभग 18 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। धान खरीद के बदले किसानों को 57,000 करोड़ रुपए मिले हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तरह ही खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 में भी एमएसपी के आधार पर किसानों से धान की खरीद निर्बाध रूप से चल रही है। 30 नवंबर 2021 तक खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 290.98 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। यह खरीद चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे जगहों से हुई है। अब तक लगभग 18.17 लाख किसानों को 57,032.03 करोड़ रुपए के एमएसपी का लाभ मिला है। मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन में अधिकतम खरीद पंजाब से हुई है, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खरीद हुई है। अन्य राज्यों में भी खरीद जोर पकड़ रही है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में कम से कम 1,31,13,417 किसानों को 1,68,823.23 करोड़ रुपए के एमएसपी का लाभ मिला था और 8,94,19,081 मैट्रिक टन की खरीद की गई थी। इस साल धान खरीद के मामले में अभी पंजाब नंबर एक पर है। अगर पिछले साल के कुल धान खरीद के आंकड़ों को देखें तो राज्य पहले स्थान पर था। पंजाब से पिछले खरीफ मार्केटिंग सीजन में कुल 2 करोड़ मेट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई थी। इससे 10 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए थे और उन्हें एमएसपी मूल्य पर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी। पिछले साल पंजाब के बाद तेलंगाना का नंबर था, लेकिन अभी तक हुई खरीद में तेलंगाना पीछे चल रहा है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में तेलंगाना से कुल 1,14,00,000 मेट्रिक टन से अधिक की धान खरीद हुई थी, जिससे राज्य के 21,64,354 किसान लाभान्वित हुए थे और उन्हें कुल 26,637 करोड़ रुपए मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।